जब मीठा हो कुछ खाना तो ये बनाना बहुत ही टेस्टी बन जाता है घर के सामान से ही। तो ये सेमई ले लेंगे, ये पतली वाली बारीक वाली सेमई है। एक कढ़ाई में हम 2 से 3 चम्मच घी डाल देंगे, देसी घी। अब हम जो सेमई लिए वो डाल देंगे, इसको हमको भून लेना है, अच्छा सा इसमें एक ब्राउन कलर आ जाना चाहिए। सेमई में भून गई हैं, अब यहाँ पे हम 1 गिलास पानी इसमें डाल देंगे। सेमई पकने के लिए हम पानी डाल देंगे। ये हम खीर नहीं बना रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, वीडियो पूरा देखिए तो आपको पता चलेगा मैंने क्या बनाया। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। तो हम सेमई को पका लेना है बढ़िया से। सेमई हमारी पक गई है, पानी भी पूरा सूख गया है, बढ़िया खिली खिली सेमई हमारी पक के तैयार हो गई है। तो पानी हमको ज़्यादा नहीं लेना है, यहाँ से 3 से 4 चम्मच चीनी डाल देनी है। चीनी इसमें कम ही रखना, ज़्यादा मन नहीं डालना है, क्योंकि अभी इसमें हमको आगे भी काम करना है। तो इसको हम पका लेंगे थोड़ा सा और पानी इसका सूख जाए, क्योंकि चीनी डालिए तो पानी छोड़ेगी। तो पानी को इसको अच्छे से हमको पका लेना है, पानी पूरा सूख जाने चाहिए जो हमने चीनी डाली है ना। बढ़िया से पानी सूख गया है, सेमई हमारी बन के तैयार हो गई है बढ़िया से। अब हम इसको एक बर्तन में प्लेट में निकाल लेंगे, थोड़ा सा इसको ठंडा करना है हमको। तो एक प्लेट में हम निकाल लेंगे, सेमई पानी पूरा सूख गई है, देखिए बढ़िया से तैयार हो गई। अब हमने वापस से कढ़ाई ले ली है, इसमें हम डाल देंगे 1 से 1.5 गिलास हम दूध डाल देंगे। यहाँ पर हम रबड़ी बना रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया डिजर्ट बन के तैयार होता है। बढ़िया से ठंडा फ्रिज में रख के खाइए, इसको बहुत टेस्टी बनता है। अब यहाँ पे हम अपनी कटोरियाँ सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टील कॉल लिए मैंने, कांच की कटोरी ली है, आप चाहे तो छोटी छोटी स्टील कटोरी भी ले सकते हैं। तो हमने जो सेवई बना के रखी है उन्हें ठंडा हो गई है, थोड़ी सी ठंडी होनी है, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है हमको। अब इसमें हम सेट कर लेंगे, तो हमने स्टील कॉल लगाई है ताकि ये जल्दी से आराम से निकल जाए जब हमको चाहिए। तो इस तरह से मैंने 3 कटोरियाँ सेट कर ली, इसको हमको फ्रिज में रख देनी है 5 मिनट के लिए। फ्रीजर में नहीं, फ्रिज में रखना है। अब यहाँ पे हम रबड़ी बन रही है, तो इसकी जो मलाई है हम साइड में लगाते जाएंगे इस तरह से कढ़ाई पे, क्योंकि इसका इससे हमें काम है बाद में। तो लीजिए हमारी रबड़ी भी बनके तैयार हो गई है। इसमें भी चीनी आप अपने इच्छा के अनुसार डाल सकते हैं, तो कमी रखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चीनी डाल देंगे, बढ़िया से रबड़ी हमारी बनके तैयार हो गई है। अब हमने जो बढ़िया से देखिए, अब हम इसको निकाल लेते हैं एक कटोरी में। इसमें हम डाल देंगे गुलाब का एसेंस, अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसमें इलायची डाल सकते हैं। हमारी कटोरियाँ तैयार हो गई, सेट हो गई, फ्रिज में से निकाल के लाई हूँ। अब मैंने अलग निकाल लेते हैं इसमें स्टील फॉल से। लीजिए कितनी बढ़िया हमारी ये कटोरियाँ बन के तैयार हुई हैं। जो रबड़ी हमने तैयार की है वो भी इसमें लगा दें डाल देंगे, तो ये बहुत ही बढ़िया डिजर्ट बन के तैयार होता है। अब देखिए जो हमने साइड में मलाई करके रखी थी ना, वो भी डाल देंगे। ये खुरचन बहुत ही टेस्टी बनती है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। देखिए अब हम जो रबड़ी की जो खुरचन है मलाई की वो डाल देंगे, ड्राई फ्रूट डाल देंगे। यहाँ पर पिस्ता, बादाम, काजू डाले हुए हैं मैंने, थोड़ा सा लिया है। ये है अपना एसेंस डाल देंगे, ये केसर एसेंस है, ये नहीं है तो मत डालिए। लीजिए बहुत ही बढ़िया डिजर्ट बन के तैयार होता है, फ्रिज में रखिए, गर्मियों में ठंडा।